तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि क्रैश कोर्स की शुरुआत चैनल पे हो ही चुकी है, पढ़ाई का मौसम लग ही चुका है और हमने पहला चैप्टर शुरुआत किया है रिडॉक्स रिएक्शन, जिसके अंदर दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। और मैं यही कहूंगा आपसे कि साथ साथ सही ढंग से जो जो बातें बताते हैं उसको फॉलो करते जाइए। ट्वेल्थ क्लास का सिलेबस हमारे चैनल की अलग अलग प्लेलिस्ट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, आप उन सभी प्लेलिस्ट को ध्यान से देखते जाइए। और ख़ास तौर पे ध्यान रखिएगा, जैसे सॉलिड स्टेट 2019, सॉल्यूशन 2019, हेलो एल्केन, हेलो वेरिएंस 2019, ट्वेल्थ क्लास का सिलेबस यहाँ से साथ साथ ज़रूर पूरा करते जाइए, क्योंकि ट्वेल्थ क्लास के सिलेबस को आपने मिस नहीं करना, वो बहुत ज़रूरी है साथ के साथ। और कुछ जो बातें हम यहाँ बताते जाएंगे उनको आपने फॉलो करते जाना है। तो आज बारी है हमारे टॉपिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, ईएमएफ सीरीज और इसके बेसिस पे आने वाली कुछ प्रॉब्लम्स की। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहां से नहीं हटाया तो ये वापस इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। और मेटल की इस टेंडेंसी को कि वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है या गेन करता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से पहचानते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है टेंडेंसी टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन बाय द मेटल, इसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। हमने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन का लॉस भी करता है, इलेक्ट्रॉन का गेन भी करता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है दो तरह का, एक जिसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहा जाता है और दूसरा जिसे रिडक्शन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब हुआ टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन पोटेंशियल का मीनिंग हुआ टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को 298 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर मेजर करते हैं तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई नॉट के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहें तो टेंडेंसी टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन, और अगर इसी चीज को हम इन कंडीशन में मेजर करते हैं तो इसे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से पहचानेंगे। नाउ अभी हमने आपसे कहा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अब एक बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बराबर होती है, बस साइन यहां पे ऑपोजिट होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बराबर होती है, साइन यहां पे ऑपोजिट होता है। और आईयूपीएसी के अकॉर्डिंगली हम जब भी कैलकुलेशन करेंगे हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल कंसिडर करेंगे। तो आप जब इस टॉपिक की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस बात पे खास ध्यान रखेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है या नहीं है। अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दिया गया तो आप रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके बाद अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे सपोज आपसे कहा जाता है कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट है, बताइए रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा। सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड ये हो जाएगा -0.76 वोल्ट, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल। ऐसे ही कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.34 वोल्ट है, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना 0.34 वोल्ट रहेगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल, बस साइन यहां पे ऑपोजिट, इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नाउ जब हम सभी एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में अरेंज करते हैं, ध्यान रखिएगा जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में अरेंज करते हैं उस अरेंजमेंट को ईएमएफ सीरीज के नाम से पहचानते हैं। यहां पर हमने कुछ एलिमेंट लिए हैं, आप देखें लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम -3.05, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा 2.87। तो एक ऐसा अरेंजमेंट जहां एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में लिया गया है इसे हमने नाम दिया ईएमएफ सीरीज। बहुत सारे एलिमेंट हैं लेकिन जितने यहां बता रहे हैं कोशिश कीजिएगा आपको ये याद हो जाए। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल जीरो होता है और यहां ये पॉजिटिव वैल्यूज ये नेगेटिव वैल्यूज याद रखिएगा। अब ईएमएफ सीरीज की एप्लीकेशन, इस बेसिस पे क्वेश्चन आता है। पहली एप्लीकेशन आप ऐसे ध्यान रखिए, रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग नेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग नेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग नेचर, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। यानी जितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
अगर मैं नहीं कहता कि कौन सा पोटेंशियल है तो ये हमेशा ही कौन सा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रांग होगा, जितना रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उतना रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर इस ईएमएफ सीरीज को देखें और आपसे पूछें बताइए सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो वही होगा जिसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल ज्यादा, यानी जवाब होगा फ्लोरीन। आपसे पूछें स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो वही होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, यानी जवाब होगा लिथियम। आपसे क्वेश्चन ये पूछते हैं ई नॉट ए 0.34 वोल्ट, ई नॉट बी ऑक्सीडेशन 0.44 वोल्ट, बताना है कौन है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये बताना है। आपको पोटेंशियल दे दिए गए, रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। अब यहां पर पोटेंशियल के आगे मेंशन नहीं है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, रिडक्शन। लेकिन यहां पर मेंशन है ऑक्सीडेशन, हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को पहले रिडक्शन में बदलना होगा क्योंकि सिर्फ ऑक्सीडेशन से हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये सॉल्व होके -0.44 वोल्ट आ जाएगा और रिडक्शन पोटेंशियल क्योंकि इसका कम है यही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए जिंक सिल्वर कॉपर, आपको बताना है ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ऑर्डर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ऑर्डर। अब सीधी सी बात है जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तीनों में देख लीजिए सिल्वर का पोटेंशियल सबसे ज्यादा, फिर कॉपर का, फिर जिंक का, तो सबसे ज्यादा कौन हो गया आपके पास, सिल्वर, फिर कॉपर, फिर जिंक, ये ऑटोमेटिकली आंसर आपका बनता रहेगा, बन जाएगा। अब ध्यान रखिए अगली एप्लीकेशन है रिएक्टिविटी, और रिएक्टिविटी में ध्यान रखिए रिडक्शन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। जनरली हमारा ये पॉइंट मेटल के लिए एप्लीकेबल होता है, जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। आपसे सवाल पूछा गया आपके पास पोटेशियम है, जिंक है, कॉपर है, रिएक्टिविटी में अरेंज करना है, तो हमारे पास जवाब है जिसका पोटेंशियल कम होगा, पोटेशियम का सबसे कम है, फिर जिंक का है, फिर कॉपर का है, तो इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर इसी तरह से हमारे पास बन जाएगा। तो मेटल्स को अगर रिएक्टिविटी में अरेंज करना है हमारे पास जवाब है। क्लास टेंथ में आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते थे और वो रिएक्टिविटी सीरीज इसी बात के ऊपर बेस्ड होती थी। अब यहां एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव को रिप्लेस करेगा, मोर रिएक्टिव कैन रिप्लेस लेस रिएक्टिव, ये बात याद रखेंगे, मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस लेस रिएक्टिव, वो लेस रिएक्टिव को हटा सकता है किसी भी कंपाउंड में से। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछते हैं क्या जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को बाहर निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता, ये हमें यहां जवाब देना है। क्या जिंक कॉपर को बाहर निकाल सकता है, तो हमने कहा अगर मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा तो वो लेस रिएक्टिव को हटा सकता है, ज्यादा रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को हटा सकता है। जिंक और कॉपर, जिंक का पोटेंशियल कम है तो ये मोर रिएक्टिव है, कॉपर का पोटेंशियल ज्यादा है तो ये लेस रिएक्टिव, क्योंकि अभी हमने कहा कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कम रिएक्टिव। तो जिंक का पोटेंशियल कम है वो मोर रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को हटा सकता है, तो हम कहेंगे ये रिएक्शन यहां पे हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपके पास सिल्वर है, जिंक सल्फेट है और आपसे पूछा जाए क्या ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, रिएक्शन में आखिर क्या हो रहा है, सिल्वर जिंक को हटा रहा है, क्या सिल्वर जिंक को रिप्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता, ये हमें जानना है। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि हमारे पास सिल्वर और जिंक, सिल्वर का पोटेंशियल ज्यादा है तो सिल्वर लेस रिएक्टिव, जिंक का पोटेंशियल कम है तो ये है मोर रिएक्टिव, और लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को रिप्लेस नहीं कर सकता और इस वजह से रिएक्शन नहीं होगी। अब हमारी अगली एप्लीकेशन है ईएमएफ टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, याद रखिएगा टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, और फार्मूला है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड।
ई नॉट कैथोड यानी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, अगर आप ये निकाल लेंगे तो आप स्टैंडर्ड ईएमएफ बता सकते हैं। सपोज आपको क्वेश्चन दिया गया है कि आपके पास जिंक, जिंक प्लस टू, आपके पास है सिल्वर और साथ में सिल्वर, इस तरह से आपको दिया गया है। अब आपसे पूछा जाएगा कि आपको बताना है कि इसका स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या होगा। नाउ जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें गिवन है, सिल्वर का पोटेंशियल हमें गिवन है। अब इस सेल रिप्रेजेंटेशन में याद रखिएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट होता है वो हमेशा एनोड होता है और राइट हैंड साइड पार्ट हमेशा कैथोड होता है। एनोड कैथोड इस तरह से यहां पर मेंशन किए गए हैं। तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, दिस इज ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड, कैथोड यानी सिल्वर, ई नॉट एनोड, एनोड यानी जिंक। और जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, सिल्वर का पोटेंशियल 0.80 वोल्ट आपको गिवन है और जिंक का -0.76, इस तरह से इनको आप ऐड कर लेंगे और आपका जवाब आपके पास आ जाएगा और आप इस तरह से इनका ईएमएफ यहां पे बता सकते हैं। तो किसी भी सेल का अगर ईएमएफ आपको बताना हो तो आप सिंपल सा फार्मूला याद रखें, सेल आपको गिवन होगी एनोड कैथोड, तो कैथोड माइनस एनोड, इस तरह से आपका जवाब आ जाएगा। अगला है हमारे पास स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, यानी रिएक्शन होगी या नहीं होगी ये हमें प्रिडिक्ट करना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ईएमएफ ऑफ द सेल पॉजिटिव आता है इसका मतलब रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन जरूर होगी। अगर ईएमएफ ऑफ द सेल पॉजिटिव आता है तो प्रोसेस पॉसिबल होगा, स्पॉन्टेनियस होगी, ये रिएक्शन यहां पे फिजिबल होगी। आइए जानते हैं किस तरह से। आपसे पूछते हैं क्या ये सेल पॉसिबल है या नहीं है। आपको एक सेल दी गई है और आपसे पूछा गया क्या ये सेल अरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप यहां ईएमएफ निकालेंगे और ईएमएफ का फार्मूला कैथोड माइनस एनोड, और अभी मैंने बताया था राइट हैंड साइड कैथोड लेफ्ट हैंड साइड एनोड, यानी ई नॉट कॉपर माइनस ई नॉट सिल्वर, ये रहेगा। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट है आपके पास और सिल्वर का 0.80, जब आप सॉल्व करेंगे आंसर नेगेटिव आएगा, और अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। यानी एक ऐसी सेल नहीं बन सकती जहां सिल्वर एनोड हो कॉपर कैथोड हो, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लीजिए, अगर आपको ये चीजें दी गई हैं और आपसे कहा कि क्या ये सेल पॉसिबल है या नहीं, तो आपने निकालना है इनोड सेल और किसके बराबर, कैथोड माइनस एनोड, ये कैथोड ये एनोड, यानी इनोड कॉपर माइनस इनोड जिंक, कॉपर की वैल्यू 0.34 और जिंक की -0.76, और जब आपने सॉल्व किया 1.10 वोल्ट, वैल्यू है पॉजिटिव, रिएक्शन होगी, ये सेल पॉसिबल है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। इस तरह से आप इस टाइप के रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और चीज जान लीजिए, आपके पास इस तरह से एक रिएक्शन दी गई है और आपसे कहा कि बताइए ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। अब इस रिएक्शन में हमें नहीं बताया गया कौन एनोड कौन कैथोड, नहीं बताया गया, इसमें मेंशन ही नहीं है कौन एनोड कौन कैथोड, तो आप खुद से डिसाइड करेंगे। कैसे डिसाइड करेंगे समझिएगा, ध्यान रखिएगा, एनोड वो होता है जहां ऑक्सीडेशन, कैथोड वो होता है जहां रिडक्शन। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, एनोड ऑक्सीडेशन कैथोड रिडक्शन, इस बात को याद रखिएगा। अब जिंक में देखिए, जिंक से जिंक प्लस टू, इलेक्ट्रॉन का लॉस यानी क्या हुआ ऑक्सीडेशन, यानी ये क्या है एनोड। कॉपर प्लस टू से कॉपर यानी इलेक्ट्रॉन का गेन, इलेक्ट्रॉन का गेन है तो रिडक्शन, रिडक्शन है तो ये क्या है हमारे पास कैथोड। तो हम यहां पे कह सकते हैं इनोड सेल होगा कैथोड माइनस एनोड, कैथोड कौन हो गया कॉपर हो गया, एनोड कौन हो गया जिंक हो गया, वैल्यू पुट कर दीजिए और वैल्यू पुट करने के बाद जवाब पॉजिटिव आएगा, और अगर आंसर पॉजिटिव है तो आप कहेंगे रिएक्शन पॉसिबल है, बिल्कुल होगी, जरूर होगी। तो इस तरह से ये थी हमारी एप्लीकेशन जहां हमें रिएक्शन के बारे में बताना था, और लास्ट एप्लीकेशन है स्टोरेज ऑफ सॉल्यूशन, स्टोरेज ऑफ सॉल्यूशन ये हमारी लास्ट एप्लीकेशन।
अब ध्यान रखिए, एक ट्रिक बताता हूं छोटी सी और ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन सपोज ऐसे आता है कि आपके पास सिल्वर का वेसल है और आप क्या इसमें जिंक सल्फेट को स्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सिल्वर वेसल में जिंक सल्फेट स्टोर होगा या नहीं होगा, ये आपसे पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा, अब मैं जो बात बता रहा हूं ध्यान रखिएगा, अगर वेसल का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है स्टोर नहीं होगा। अगर वेसल का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है तो वेसल रिएक्ट कर जाएगा, वो स्टोर नहीं होगा, और अगर वेसल का पोटेंशियल ज्यादा है तो वो स्टोर होगा। अब ध्यान रखिए, ये है सिल्वर, सिल्वर है वेसल और जिंक है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है -0.76 और वेसल का है 0.80, यानी हायर वैल्यू है। और अगर वेसल का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ज्यादा है स्टोर होगा, जरूर होगा, ये पॉसिबल है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि ये जिंक कंटेनर है, क्या इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन स्टोर हो सकता है या नहीं, बस सिंपल सी बात है, जिंक का पोटेंशियल -0.76 वोल्ट, कॉपर का 0.34, ये लोअर वैल्यू है, लेस वैल्यू। अगर वेसल का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा तो वो पॉसिबल नहीं है, स्टोरेज नहीं है, रिएक्शन होगी ही होगी। तो हम कहेंगे यहां पर स्टोरेज पॉसिबल नहीं होगा, यहां रिएक्शन जरूर होगी। तो बच्चों, ये थी हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ सीरीज, इनका एक बेसिक कंसेप्ट, किस तरह से ये सीरीज वर्क करती है और कैसे आपको इसके बारे में कंसेप्ट को जानना चाहिए। अब आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम इसका एक मॉक टेस्ट लेके आएंगे, मॉक टेस्ट आपको साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे, सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच से भी आप बहुत कुछ बातें अच्छे से सीख पाते हैं। देखते रहिए चैनल को इस तरह से। ऑल द बेस्ट।